शाम के काटे जाने पर एक व्यक्ति को सिविल अस्पताल पठानकोट के इमरजेंसी वार्ड में इलाज के लिए दाखिल करवाया गया। ज्यादा जानकारी देते हुए SMO डॉक्टर सुनील चंद ने बताया है कि एक प्रवासी मजदूर स्नेक बाइट का शिकार हो गया था, जिसका इलाज माहिर डॉक्टरों की देखरेख में किया गया है और इसकी हालत अब खतरे से बाहर बताई गई है। क्या नाम है? नीतीश कुमार मंडल। कहाँ के रहने वाले? यहाँ पे कहाँ रहते हैं? यहाँ पे गोसाईपुर में। गोसाईपुर में क्या काम करते हैं? चूना लगाते हैं। तो कब पता चला कि स्नेक बाइट? हम चूना लगा रहे थे तो जुड़ी में था वो सांप, तो जुड़ी खोले तो सांप दिख गया तो सांप को हम देखे हुए छोड़ दिए। फिर हमको महसूस हुआ कि मतलब लगता है हमको काट लिया, लड़ गया वो। तो फिर सोचे हम टेस्ट करवा लेते हैं, कोई टेस्ट करवाने आए। अज सवेरे जिहड़ा सिविल हॉस्पिटल की एमरजेंसी में एक स्नेक बाइट का केस आया है। जो पेशेंट हैगा वो प्रवासी मजदूर हैगा है। साढ़े डॉक्टर्स ने उन्होंने बिल्कुल चंगी तरह देख लिया हैगा है, तो उन्होंने जो भी ट्रीटमेंट सी एंटी स्नेक वैन वगैरह हाइड्रोकॉट वगैरह लगा दिता है। इस वे खतरे तो बाहर है, तो लगता है कि वो ठीक ठाक डिस्चार्ज होकर घर चला जाएगा।